जय माता जी। मित्रों आपनो हार्दिक स्वागत छे अमारी यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों आज आपने फरी एक बार गीरना जंगल में आवेला त्रण स्थल की मुलाकात लेवानी छे। ये तो गीर से मित्रों, गीर ने अंदर आवेला नेहड़ा ने तेना दरिया दिल वाला मानवियों की बात अलग है। क्यारेक नेहड़ा की मेहमान गति करजो, भले रेवा झूपड़ी होय अने खावा रोटलो अने दूध होय पण अमृत जेवू लागशे। तो मित्रों अपने कोठारिया गाम में आवेला मेली माताजी ने डेरू तथा जंगल नी वच्चे मोटा डुंगराओ नी वच्चे सरनी खोडियार नामना खोडियार माताजी नु मंदिर तथा चीखलगुबा गामे रावल नदी ने कांठे बिराजमान झंगवड़ना सामुडा माताजी ना दर्शन करवा जवाना छे। तो मित्रों थई जाओ तैयार, गीरना जंगल ने खूंदी ने गाड़ावाट एवा रस्ता वच्चे थी आपणे पसार थई रह्या छे। आपणे पहोंची गया छे कोठारिया गाम। आ नदीना कांठे बोरडीना नीचे बिराजमान छे मेलडी माताजी। आ माताजीना दर्शन करवा आजूबाजूना गामडाना लोको अहीं आवे छे। चारे बाजु धोम फेंकाता तड़कानी वच्चे आ वडलानु झाड एक लीली छाया आपे छे अने मोटा वट वृक्ष लगभग 2-3 वीघामां फैलायेलो छे अने एनी नीचे एक पीर बापानुं स्थानक पण छे। तो मित्रों आपणे हवे जई रह्या छे सरनी खोडियार माताजीना दर्शन करवा। ते मंदिर जंगलनी वच्चे आवेला मोटी धारनी वच्चे खोडियार माताजीनुं मंदिर तथा आश्रम आवेलो छे। सौप्रथम आपणे माताजीना दर्शन करी लईए पछी आपणे आश्रम निहाळीए। आश्रम निरपक्षीओ माटे सरस मजानी एक व्यवस्था करवामां आवी छे। तेना माटे चण अने पाणीनी व्यवस्था करवामां आवेली छे। खास करीने सोमाचानी ऋतुमां आ संपूर्ण विस्तारनो नजारो खूब ज दार्शनिक होय छे। लीलाछમ વૃક્ષોની સાથે ડુંગરાઓ પણ જાણે લીલી સાડી ઓઢીને બેઠા હોય એવું લાગે છે। तो मित्रों अमे आवी गया छे चीखलगुबा गाम। नदीने सामे काठे आश्रम आवेलो होवाथी 400-500 मीटर पगपाळा जवू पड़शे। तो चालो मित्रों चालू करी आपणो आ सफर। नदीने वळंगीने जवातुं होवाथी चोमासાની ઋતુમાં જવું અશક્ય છે, તેથી જ્યારે નદીમાં પાણી ઓછું હોય ત્યારે જવું સરળ રહેશે। અહીં ચામુંડા માતાજીનો મઢ આવેલ છે જે વડના થડમાં બનાવવાનો આવ્યો છે। ગીરનું ઘરેણું ગણાતા એવા સિંહના દર્શન કરવા માટે ઘણા લોકો અહીં આવે છે। જેના ભાગ્યમાં દર્શન લખેલા હોય છે તેને જ દર્શન થાય છે। તો મિત્રો પહોંચી ગયા છે જંગોડ આશ્રમ। સૌ પ્રથમ આપણે માતાજીના દર્શન કરીશું, પછી આપણે આશ્રમને નિહાળીશું। આ ચામુંડા માતાજીનો મઢ વડના થડમાં બનાવવામાં આવેલો છે।
चारे बाजू उनाळाना लीधे साव सूकू से छता अहीं आश्रम लीलोसम होवाथी मन ने शांति आपे छे। पशु पक्षीओ माटे चण तथा पाणीनी अहीं पण अलग व्यवस्था करवामां आवी छे। अमे साथे जमवानुं लावेला अने अहीं वन भोजन करेलुं खूब मजा करी हती। तो मित्रों तमे पण आ स्थळनी मुलाकात लो अने जंगलनी जाळवणी साथे स्वच्छता साथे मुलाकात लो तेवी आशा राखी छीए।